हेलो एवरीवन, मैं ममता। मेरे चैनल फूडी मूडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अदरक से सोंठ कैसे बनाते हैं या अदरक का पाउडर बनाने का तरीका। ये मैंने 200 ग्राम अदरक ले ली है, जिसको कि इसको पानी से खूब अच्छी तरह साफ किया है, जिससे इसकी मिट्टी वगैरह हट जाए और ये क्लीन हो जाए। और अब हम इसको काट लेंगे या फिर चिप्सर से चिप्स कर लेंगे इसके। और इसके हमें छलके नहीं उतारने हैं, छिलके भी काफी यूजफुल रहते हैं। इस टाइप का एक कद्दूकस लेकर अब हम इससे इसके चिप्स कर लेंगे। इस तरह से इसके हम सारे चिप्स कर लेंगे। इसको रफली हमें चिप्स करना है, कोई हमें इसके लिए कारीगरी की जरूरत नहीं है। बस अब इस तरह से हम इसके सारे चिप्स कर लेंगे। अदरक के मैंने चिप्स काट लिए हैं और इनको एक ट्रे में एक लेयर में फैला दिया है। अब हम इसे सनलाइट में रख देंगे ड्राई होने के लिए, और इसको हम एक पतली जाली से इस तरह से कवर कर देंगे, जिससे कि इसमें डस्ट वगैरह या मक्खी ना लगे। और बस इसे सूखने देंगे। इसको 2-3 दिन में ये तेज धूप में अच्छी तरह ड्राई हो जाता है। ये मैंने पहले से सुखा कर रखा है। ये इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल कड़क इस तरह से भुरभुरा हो जाता है, और ये 2-3 दिन की धूप में काफी अच्छा कड़क हो गया है। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल लेंगे। इस ड्राई जिंजर को मैंने एक ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसको पीस लूंगी। जिंजर हमारा पीस गया है और पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से इस छन्नी से हम इसे छान लेंगे। ये जिंजर पाउडर तैयार हो गया है, और ये ऊपर का जो रफ पार्ट बचा है, इसको हम चाय वगैरह में यूज कर लेंगे। इसको आप फेंके ना। ये जिंजर पाउडर रेडी हो गया है, और आप इसे एक साफ कंटेनर में भरकर और ढक्कन लगाकर इसे रख दें। और जब कभी घर में अदरक ना हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसे चाय में भी यूज कर सकते हैं, सब्जियों में यूज कर सकते हैं, और गरम मसाले में भी इसे ऐड कर सकते हैं। घर पर ये बहुत ही इकोनॉमिकली बन जाता है और प्योरिटी भी रहती है। आप इसे जरूर ट्राई करें और इसको जरूर ट्राई करें और इसको बनाकर घर में जरूर रखें। यदि आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, एंड मेरे चैनल फूडी मोटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए बाय।